स्ट्रीमर्स, आज हम चंडीगढ़ के रोज गार्डन में 48 रोज फेस्टिवल देखने जा रहे हैं, तो चलिए मेरे साथ। ये है हेलीकॉप्टर को निहारते हुए लोग, गौर फरमाया जाए, और ये गया हेलीकॉप्टर पे पीछे। हम सब पहुंच गए हैं मटका चौक पे। आप देख सकते हैं कि मटका चौक आज सजा हुआ है, झंडे लगे हुए हैं और रोज फेस्ट का पोस्टर भी लगा हुआ है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम पहुंच गए हैं 16 के रोज फेस्टिवल में, और आप देख सकते हैं यहाँ पे गेट की सजावट को। इस बार की रोज फेस्ट का थीम है वुमेन एम्पावरमेंट और प्लास्टिक मुक्त देश। अब हम अंदर चलते हैं और आपको कुछ और व्यूज दिखाते हैं। हम अब रोज गार्डन के अंदर पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे जो गेट है, आप उस पे देख सकते हैं कि कैसे एक एक पंखुड़ी से फूलों की सजावट करी गई है। बोर्ड को सजाया गया है, एक एक पंखुड़ी एक को ले लेके पत्ते कलियां फूल बनाए गई हैं। यहाँ 30 एकड़ पे 800 वैरायटी रोजेस की लगाई गई हैं, और यहाँ पे हर एक तरीके के रोज को डिस्प्ले पे लगाया। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सारी डिस्प्ले पे लगाई हुई हैं फोटोज। अब हम यहाँ इस गैलरी से बाहर निकलेंगे और आपको आगे का रोज फेस्ट दिखाएंगे। देख सकते हैं कैसे फोटोज खींच रहे हैं लोग डेकोरेशंस के साथ। किसी ने सही कहा है, एक फूल को देखा तो मैंने उसे अपने हाथ पे सजा दिया, और किसी ने मेरे हाथ को देखा और एक पूरा उद्यान बसा दिया। जैसा कि आपको पता है कि इस बार के रोज फेस्ट का थीम वुमेन एम्पावरमेंट है। आप देख सकते हैं गेट से घुसते ही सबसे पहले फूल की बेड में पिंक रोजेस लगे हुए हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये पिंक रोजेस। अंदर की सजावट भी पिंक बैलून्स, डस्टबिन्स को भी पिंक कलर कर दिया गया है। आप देख सकते हैं, और यहाँ कितने सारे लोग आए हुए हैं, रौनक देखिए। वहाँ फूलों से स्वागत करती हुई एक औरत बनी है जिसके साथ लोग अपनी तस्वीर खिंचवा रहे हैं। फायर सेफ्टी के लिए फायर सर्विस ट्रक खड़ा किया हुआ है, जगह जगह डस्टबिन, और सिक्योरिटी के लिए पुलिस ऑफिसर्स को बैठाया गया है। देखिए कितनी सुंदर सजावट करी गई है, फूलों से एक प्यारा सा गेट बनाया गया है। चलिए देखते हैं यहाँ फ्लावर डेकोरेशन को। एवर ग्रीन लैंडस्केप जीरकपुर द्वारा ये सजावट की गई है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, पत्थर फूल और कुछ स्टैचूज। गुरु गोबिंद सिंह विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा ये प्रदर्शनी। आप देख सकते हैं फैशन टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट से, आप देख सकते हैं क्विलिंग और कपड़ों की बेहतरीन प्रदर्शनी। लोगों द्वारा की गई फ्लावर डेकोरेशन आप देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से फूलों को सजाया गया है। हर एक फूल से की हुई सजावट पे एक एक कैप्शन दिया गया है, जैसे कि इस फूल को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसे जूतों में। आप देख सकते हैं जीरकपुर के गुरुकुल के द्वारा की गई ये फ्लावर डेकोरेशन को सेकंड प्राइज मिला है, और पंचकुला जीरकपुर के गुरुकुल को मिला है फर्स्ट। उन्होंने अपने फूलों को अलग अलग चीज़ों को पेंट करके सजावट में यूज़ किया है, आप देख सकते हैं। कपास के फूलों द्वारा के साथ ऐसी सजावट करी है, आप देख सकते हैं। ये देखने को बहुत कम मिलते हैं आजकल। ये देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है ये। अरेंजमेंट विद फॉलियज आप देख सकते हैं कितने अच्छे से
कितनी मेहनत करके वीविंग करी गई है। दोबारा गुरुकुल को फर्स्ट और सेकंड प्राइज़ मिला है। आप देख सकती हैं कितनी बेहतरीन प्रदर्शनी इनकी हर एक कैटेगरी में रही है। फूलों के गहने आप देख सकते हैं, लोगों ने कितने प्यारे प्यार से फूलों से मालाएं, कुंडल मांगटी के बनाए हुए हैं। द्वितीय प्राइस ये हमारे तिरंगे को बनाने की बेहतरीन कोशिश, नारंगी सफ़ेद और हरे रंग से हर एक गहने पे, हर एक यहाँ से पॉकेट्स शुरू हुए हैं फूलों के दस्ते। प्रथम विजेता हैं गुरुकुल, द्वितीय भी गुरुकुल। कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा ड्राई फ्लावर्स की सजावट, पहला प्राइज MCMDAV कॉलेज सेक्टर 26 चंडीगढ़, दूसरा MCMDAV कॉलेज सेक्टर 36। और ये GCG सेक्टर 42 का प्रथम प्राइस। एंड आप ये देख सकते हैं कि कैसे बाइक के पुर्जों से बनाया गया है। ये लिखा है, मैं तेरी बुलेट अक्सर एक गला करते हैं। ये स्कूल के बच्चों द्वारा की गए ऑर्नामेंट की डिज़ाइनिंग आप देख सकते हैं कि कैसे पफ्ड राइस से ये गहना बनाया गया है। साथ में मकई के दाने, रिबन से बनाया हुआ है ये। यह है कट फ्लावर्स की प्रदर्शनी, तरह तरह के फूल यहाँ प्रदर्शनी में लगाए। एस्टर्स, स्टॉक्स डबल, ये कार्नेशंस कितने प्यारे और बेहतरीन रंग बिरंगे फूल हैं। यह है गैलेडुलस की कट फ्लावर की प्रदर्शनी, जर्बेरा डबल। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये कलर्स, हर एक रंग का फूल है यहाँ। देखिए ये हैं सेकंड प्राइस के विनर्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल कार्विंग। कितनी ही सुंदर लोगों ने कला दिखाई है अपने हाथों की यहाँ। इसे प्रथम प्राइज मिला है साहिल कुमार कनौजिया को, ढकोली जीरकपुर के रहने वाले हैं। सेकंड प्राइज सेक्टर 15 खरर, और सेकंड प्राइज फिर मिला है सेक्टर 15 खरर के हरदीप सिंह ढिल्लों को। आप देख सकते हैं इसमें एक तरफ उन्होंने लड़की बनाई हुई है और एक तरफ लड़का बनाया हुआ है। धूप के वजह से वीडियो में थोड़ी मुश्किल। देखिए प्रथम प्राइज के विजेता हैं जीरकपुर की एक रहने वाली और मोहाली को सेकंड प्राइज। ये लोगों के द्वारा की हुई रंगोली गुरुकुल को पुनः प्रथम प्राइस। सारे धर्म एक हैं, कर्म ही धर्म है। दालों की बेहतरीन यूज़ किया गया है, मसूर, मूंग, राजमा, गाजर,
बांसुरी बनाई गई है। द्वितीय पुरस्कार मिला है इस रंगोली को, पवन कुमार फतेहगढ़ साहिब में रहने वाले हैं, उन्हें मिला है, आप देख सकते हैं। रंगों से बखूबी खेला है, द्वितीय पुरस्कार मिला है दिव्या मौर्य को, ये जीरकपुर के रहने वाली हैं, देख सकते हैं। और प्रथम पुरस्कार मिला है आकांक्षा को, ये चंडीगढ़ में रहती हैं, आप देख सकते हैं। फूल बना है और एक रेनबो बना है। बॉन्साई, इसे प्रथम पुरस्कार मिला है। बॉन्साई रूट ट्रंक को मैं द्वितीय पुरस्कार, एवरग्रीन बॉन्साई रूट ओवर रॉक, आप देख सकते हैं कैसे पत्थर के ऊपर इस बॉन्साई की जड़ों ने चरी भी है। प्रथम पुरस्कार बॉन्साई की प्रदर्शनी के बीचों बीच, आप देख सकते हैं इसे कैसे झाड़ियों से मोर बनाया गया है, देख सकते हैं कितने सारे बॉन्साई के प्लांट्स यहाँ रखे गए हैं। एक कुदरती तौर पे बने हुए और इन्हें लब के खूब के या टेकिंग आउट फ्रॉम द दीवारों तो नालियों तो कुएं तो कढ़ के फिर इनू बचा के फिर बचा के पुरानी चीज़ में तुम कटो तो मर जा बचा के वो बाद मिट्टी में रहन की आदत पा तुम मच्छी को कहें हो ना कि हम बाहर रह उस तरह फिर इन्हों मिट्टी की आदत पा के वो बाद वंस दे टेक ऑफ दैन आई जस्ट शेप द कैनोपी। अब हम लोगों से कुछ क्वेश्चंस पुट करने वाले हैं, तो पहला क्वेश्चन मिशन है वो है कि आपको रोज फेस्टिवल कैसा लग रहा है? इट इज़ गुड एक्चुअली, फॉर द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव कम हियर, सो इट इज़ गुड, क्वाइट नाइस। रोज फेस्टिवल बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे फूल जो सजावट है बहुत प्यारी है, जेब्रा बच्चों के लिए जेब्रा और एनिमल्स बहुत अच्छे लगाए हुए हैं, बच्चे देख देख के बहुत खुश हो रहे हैं, यहाँ फूल बहुत अच्छे लग रहे हैं और यहाँ पे अच्छी रौनक लगी हुई है। सभी आई हैं, तक घूमा नहीं है तो बस घूम रहे हैं, बस अभी तक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बहुत सारे वैरायटीज़ हैं फ्लावर्स की, बहुत अच्छा अभी तक। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, वुमेन एम्पावरमेंट इस बार के रोज़ फेस्टिवल का थीम है, तो आप वुमेन एम्पावरमेंट से क्या समझती हैं? मोस्ट ऑफ द पीपल वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत गलत वे में लेते हैं, इट इज़ जस्ट लाइक कि गर्ल्स हैं, फ्रीडम की बात होती है, राइट्स की बात होती है, बट बेसिकली इफ वी से अबाउट ऑल दीज थिंग्स, सो वुमेन एम्पावरमेंट इज नॉट अबाउट रोमिंग अराउंड द स्ट्रीट्स की रात को बाहर लेट रहना, एल्कोहल करना, स्मोकिंग करना, इट इज़ अबाउट अपने ड्रीम्स को पूरा करना। अगर आज अगर हमें प्रॉपर राइट्स हैं, फ्रीडम है, सो वी शुड यूज़ इट इन अ राइट वे, वी शुड इन्जॉय एज वेल, बट वुमेन एम्पावरमेंट का रियल मीनिंग तो यही होना चाहिए कि अगर आज कल पूरा अगर इस वे में यूज़ हो रहा है तो राइट वे में ही होना चाहिए। वन लास्ट क्वेश्चन, कहते हैं कि लड़कियों के लिए पिंक कलर है और लड़कों के लिए ब्लू, तो इस पे आप अपना पक्ष रखिए।
लड़कियों के लिए पिंक एंड लड़कों के लिए ब्लू. आई डोंट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स बिकॉज आई लाइक ब्लू मोर देन पिंक. सो इट इज़ जस्ट अ मैथ, देर इज़ नो लॉजिक बिहाइंड इट. ऐसा कहना एक है, लड़की या लड़के सब एक है, ऐसा कुछ नहीं है. आजकल जब देखा जाए तो बोथ आर सेम, दे आर इक्वली ट्रीटेड इन मोस्ट ऑफ द हाउसेज. यू कैन लाइक इन सिटीज मोस्ट आर ट्रीटेड इक्वली, देर इज नो डिफरेंशिएट बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स. लाइक गर्ल्स का कलर पिंक है एंड बॉयज का ब्लू. जिन्होंने इस व्लॉग में अपने विचार रखे उन सभी को शुक्रिया. आज के व्लॉग में बस इतना ही. अगले व्लॉग में देखिए मॉडलिंग और रोज फेस्ट के बाकी नज़ारे. तब तक बने रहिए स्ट्रीमर्स पर.